उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश जान पर आफत बना रही है। बता दें कि थराली में कुछ दिनों पहले कर्जा तोक के ग्रामीणों ने गांव की गर्भवती महिला को बड़ी मुश्किल से उफनते हुए गदेरे पर प्रशासन द्वारा बनाए गए वैकल्पिक पुल से अस्पताल तक पहुंचाया था, लेकिन जब वापसी में मां अपने नवजात शिशु को लेकर घर की ओर लौट रही थी तो गदेरे में बनाया ये वैकल्पिक पुल ही बह चुका था। फिर कर्जा तोक के ग्रामीणों ने अपने बूते उफनते हुए गदेरे में लकड़ी का एक वैकल्पिक पुल बनाया और जान जोखिम में डालकर मां और बच्चे को घर तक सुरक्षित पहुंचा दिया। बता दें कि उत्तराखंड में कोई पहला मामला नहीं है, ऐसे कई अनगिनत मामले उत्तराखंड में ग्रामीण जान में जोखिम डालकर बीमार लोगों को अस्पतालों तक पहुंचा रही हैं, जिनमें कुछ बुजुर्ग हैं, कुछ गर्भवती महिलाएं तो कुछ बच्चे। बता दें कि 13 से 15 अगस्त को उत्तराखंड में अतिवृष्टि और बादल फटने से जो घटनाएं हुई उसे चमोली जिले में काफी असर पड़ा, लेकिन वक्त बीत जाने के बाद भी ग्रामीण क्षेत्रों की स्थिति और उनकी जिंदगी अभी पटरी पर नहीं लौटी। मामला ये गुरुवार सुबह का है जब चमोली जिले लौजंग वाण सड़क बुरकोट में क्षतिग्रस्त होने से वाण गांव के कर्जा तोक के ग्रामीणों ने गर्भवती किरण देवी को 1 किलोमीटर पैदल कुर्सी में बैठाकर उफनते हुए गदेरे के ऊपर बल्लियों को पार करके सड़क तक पहुंचाया था। शुक्रवार सुबह जब किरण ने बच्चे को जन्म दिया उसके बाद वो अपने घर की ओर लौट रही थी। जैसे ही वो लोग बुराकोट गदेरे के पास पहुंचे तो उनके होश उड़ गए, क्योंकि बुराकोट गदेरे पर बनाया गया वैकल्पिक पुल गुरुवार की रात और शुक्रवार सुबह हुई भारी बारिश से बह चुका था, जिसके बाद गांव के ही सामाजिक कार्यकर्ता ने आवाजाही के लिए जो वैकल्पिक पुल बनाया था उसको एक बार फिर से दुरुस्त किया गया। ग्रामीणों ने अपनी जान को जोखिम में डालकर बुराकोट गदेरे में वैकल्पिक पुल बनाया और उसके बाद नवजात बच्चे और उसकी मां को सुरक्षित घर तक पहुंचाया। नवजात की मां का कहना था कि अगर ग्रामीण इस वैकल्पिक पुल को ना बनाते तो वो अपने घर ना पहुंच पाती। ब्यूरो रिपोर्ट, राजकुमारी।